कोरोना के कारण रद्द हुआ पांचवा टेस्ट मैच। बीसीसीआई और ईसीबी की बातचीत के बाद हुआ ऐलान, मैनचेस्टर भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया है कि मैनचेस्टर में शुक्रवार से शुरू होने वाले पांचवे टेस्ट मैच का पहला दिन टाल दिया गया था, लेकिन अब खबरें आई है कि ये मुकाबला रद्द कर दिया गया है। गुरुवार के टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। अगर मैनचेस्टर में होने वाला पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच भारत जीत लेता है या फिर ड्रॉ भी करा लेता है तो सीरीज पर उसका कब्जा होता। हालांकि ईसीबी का कहना है कि सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत ने मैच खेलने से मना कर दिया है, जिस वजह से टीम इंडिया ये मैच हार गई है। हालांकि बीसीसीआई ने इस बात से साफ मना कर दिया है। क्या भारत जीत पाएगी सीरीज? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि भारतीय टीम अपने प्लेयर उतारने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पांचवा टेस्ट बाद में खेला जाएगा, भारत इस सीरीज को 2-1 से जीतेगा या फिर सीरीज को 2-2 पर ड्रॉ माना जाएगा। ईसीबी का कहना है कि बीसीसीआई के साथ हुई बातचीत बाद ओल्ड ट्रेफोर्ड में होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कैंप में कोरोना के बढ़ते मामले के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। टीम इंडिया अपने प्लेयर तैयार नहीं कर सकी है। इंग्लैंड ने पहले मैच पर अपनी जीत का दावा किया था, हालांकि बाद में इस बयान को बदल दिया गया। ऐसे में अब इस टेस्ट मैच को रद्द माना गया है।